हेलो दोस्तों, आयुर्वेदा ब्यूटी विद्या में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ करीना स्टाइल गहरा मोटा काजल कैसे लगाएं। बहुत ही सिंपल है और एक और टिप उसके साथ कि काजल स्मज भी ना करे बिल्कुल भी। तो उसके लिए आप हमेशा स्टार्ट करें एक फेस पाउडर या फिर लूज पाउडर के साथ। आप अपनी आई एरिया को हल्का सा कवर कर लें क्योंकि वहां पे जो ऑयल होता है या फिर आपकी स्किन जो ऑयल प्रोड्यूस करती है उसकी वजह से आपका काजल सबसे ज्यादा स्मज करता है। अब इस तरह से नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पाउडर लेकर मैं अपनी आंख को कवर कर लेती हूँ। यदि आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो उस केस में आप अपना मेकअप स्टार्ट करने से पहले या फिर काजल लगाने से पहले थोड़ा सा आइस क्यूब लगा सकते हैं, वो भी आपकी ऑयल ग्लैंड्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। अब मैंने ये सेकेंड स्टेप पर लिया है यहाँ पर काजल। काजल भी आप जो भी चूज करें वो स्मज प्रूफ काजल चूज करें। तो यहाँ पर मैं लैक्मे का काजल यूज कर रही हूँ जिसकी वजह से स्मज नहीं करेगा। यदि आप एकदम बिगनर हैं और आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है शार्प काजल लगाने में या फिर लाइनर बनाने में, उस केस में आप एक सेलो टेप यूज कर सकते हैं। और इस सेलो टेप को हमें नीचे कि जो हमारी आंख की लाइन है खत्म हो रही है उसके साइड से लगाया है। पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, अब हम नीचे वाला एरिया कवर करेंगे। हमेशा काजल पीछे से लगाना स्टार्ट करें बिकॉज हमारी जो आंख होती है वो पीछे से बिल्कुल भी वॉटरी नहीं होती, यानी वहां से पानी आपकी आंख में बहुत कम आएगा जिसकी वजह से आपका काजल स्मज नहीं करेगा। तो ये देखिए हमने दो या तीन स्ट्रोक लगाया पीछे की तरफ और आगे जहां भी हम काजल की तरफ बढ़ रहे हैं वो हमने एकदम पतली लाइन दी है। अब अंदर भी हम इसको फिल कर लेते हैं और ऊपर की साइड भी हल्का सा फिल कर लेंगे जिससे जो भी गैप है वो खत्म हो जाएगा। हम इसको ऊपर भी लगाने वाले हैं यानी लाइनर पर भी लगाने वाले हैं। तो नीचे वाला जो काजल है उसको मैंने पूरा फिल नहीं किया है आगे तक। उससे होता यह है कि आपकी आंखें कई बार उस लुक को इतना अच्छा नहीं देती है। यदि आपकी आंखों में दोनों साइड काजल इतना अच्छा नहीं लगता तो आप इस लुक को ट्राई कर सकते हैं। हमने ऊपर की लिड पर भी एकदम पतला काजल अभी एक लगा लिया है। पीछे से इसको मोटा करने के लिए हमने जो इसका पॉइंट है उसको छोड़ दिया है और उसके बाद एक सीधी लाइन दी है आंख की मिडिल तक। आपको ये काजल जितना मोटा करना है आप इसको मिडिल पार्ट पर ही मोटा करेंगे, ना तो इनर आई पर हम इसको बहुत ज्यादा मोटा कर रहे हैं ना ही आउटर का जो हमारा पॉइंट है उस पर मोटा कर रहे हैं हम। हमने इसको अच्छे से फिल किया है जिससे बिल्कुल भी स्पेस आपको दिखाई नहीं देगा। ये देखिए ये एकदम शार्प बहुत खूबसूरत तरीके से लग चुका है। यदि आप बिंग को और भी ज्यादा शार्प करना चाहते हैं तो आप इसको और भी बड़ा और शार्प कर सकते हैं। इसके बाद हमने सेलो टेप को रिमूव कर दिया है और नेक्स्ट स्टेप है मस्कारा। आप मस्कारा लगा लीजिए जो आपकी आईलैशेस को और भी ज्यादा वॉल्यूम देगा। ऊपर और नीचे दोनों साइड हल्का हल्का मस्कारा अप्लाई कर लीजिए। आपका पार्टी वाला काजल एकदम वाटरप्रूफ काजल स्मज फ्री काजल रेडी हो जाएगा मोटा गहरा। आप इसमें बिंग बनाना चाहें तो बनाएं, ना बनाना चाहें तो ना बनाएं।